दक्षिण कोरिया की प्रमुख कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपना पहला कदम रखा है, लेकिन बहुत ही जल्द यह ब्रांड लोगों के बीच में बहुत मशहूर हो गया। कंपनी ने साल 2019 में अपनी पहली सेल्टोस एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। अब कंपनी इस एसयूवी के नए ग्रेविटी एडिशन को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। तो हे गाइस, मेरा नाम है साहिल और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हालांकि इसके बारे में कंपनी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन कंपनी ने हाल ही में एक टीजर जारी किया है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह मशहूर एसयूवी सेल्टोस का ग्रेविटी एडिशन होगा। दरअसल कंपनी द्वारा जारी टीजर में इस आने वाली एसयूवी के बारे में कयास लगाई जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक सेब और किताब को दिखाया गया है। कंपनी ने पोस्ट में लिखा है कि द वन हु आस्क्ड व्हाई। इस पोस्ट से यह हिंट मिल रहा है कि कंपनी जल्दी इंडियन मार्केट में सेल्टोस के ग्रेविटी एडिशन को लॉन्च करने वाली है। दरअसल ये तस्वीर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरफ इशारा कर रही है। किया सेल्टोस मौजूदा समय में ह्युंडई क्रेटा के बाद सबसे ज्यादा बेची जाने वाला मॉडल है और अपने सेगमेंट में यह खासी मशहूर भी है। तो आइए जानते हैं कि नई एसयूवी कैसे होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कंपनी इस एसयूवी में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव करने वाली है। इसमें नए क्रोम फ्रंट ग्रिल के साथ 18 इंच का मशीन व्हील, सिल्वर फिनिश आउटसाइड रियर व्यू मिरर, डोर गार्निश और स्किड प्लेट दिए जाएंगे। दक्षिण कोरियाई मॉडल में 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूवो कनेक्टिविटी, बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और ग्रे कलर का इंटीरियर थीम मिलता है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इसे टॉप वेरियंट के तौर पर पेश कर सकती है। मौजूदा समय में सेल्टोस सनरूफ के साथ आती है, लेकिन इसमें पेनोरामिक सनरूफ दिया जा सकता है जैसा कि ह्युंडई क्रेटा में दिया गया है। इसके अलावा इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह एसयूवी 1.5 लीटर की क्षमता वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारी जा सकती है। इसमें 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को भी शामिल किया जा सकता है। अब अगर बात करें इस गाड़ी के प्राइस की और इसके लॉन्च डेट की, तो कंपनी इस गाड़ी को 27 अप्रैल 2021 तक लॉन्च कर सकती है और इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो एंड आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।